लोक आस्था का महापर्व छठ की शुरुआत हो चुकी है और ऐसे में राजधानी रांची के विभिन्न तालाबों में तैयारियां जो है वो देखी जा रही है। इस वक्त हम रांची के बटन तालाब में हैं और मेरे पीछे जो है आप देख सकते हैं रांची का बटन तालाब है और यहां पर रांची नगर निगम द्वारा साफ सफाई की जा रही है। पूरे तालाब में काफ़ी भीड़ होती है। 19 तारीख को शाम का अर्घ दिया जाएगा, वहीं 20 तारीख के सुबह में अर्घ दिया जाएगा। यहाँ पर छठ व्रतियों के लिए सुविधाएँ जो है वो देखी जा सकती है और ऐसे में कह सकते हैं कि इस बटन तालाब में चूँकि कमल के फूल यहाँ पर काफ़ी जो है प्रकृति के देन से यहाँ पर हुए हैं तो ऐसे में उसे सफाई की गई है और जहाँ तक छठ व्रती जो है वो जाएंगी वहाँ तक की सफाई जो है वो की गई है। वहीं इसके साथ ही आप देख सकते हैं कि यहाँ पर तैयारी जो है पहले से कर ली गई है। जो भी छठ व्रती यहाँ अपने परिवार के साथ आएंगे वो पहले से ही अपना नाम यहाँ पर लिख चुके हैं, अपने नंबर यहाँ पर लिख चुके हैं ताकि किसी तरह का कोई कन्फ्यूजन ना हो। वहीं राजधानी रांची के विभिन्न तालाबों में भी ऐसी ही स्थिति जो है वो देखने को मिल रही है। नगर निगम के कर्मचारी भी यहाँ पर मौजूद हैं, सुपरवाइज़र हैं। ये बताइए कि क्या कुछ तैयारी बटन तालाब में जो है देखने को मिल रही है। यहाँ सर हम लोग लगभग 1.5 महीना से सफाई कार्य में लगे हुए हैं और सफाई कार्य जो है सर लगभग पूर्ण हो चुका है सर, और मैंने पूर्ण हो ही गया है सर लगभग। ये जो कमल का फूल बीच में जो है वो प्रकृति का देन है, चलिए कोई नहीं, लेकिन इसके इससे कितनी दिक्कत हुई सफाई करने में? ये है क्या ना सर, इसको जैसे हम लोग हटाते हैं ना ये 5 दिन 7 दिन में दोबारा हो जाता है सर। फिर भी हम लोग जो है जितना दूर तक छठ व्रती लोग जाएंगे छठ करेंगे उतना दूरी तक सर हम लोग साफ करवा दिए हैं, माने उनको किसी तरह का दिक्कत ना हो छठ व्रती लोगों को। बिल्कुल, तो यहाँ पर नगर निगम के कर्मचारी जो हैं वो 2 महीना से यहाँ पर साफ सफाई कर रहे हैं। ऐसे में कह सकते हैं कि 17 तारीख को नहाए खाए है, 18 तारीख को खरना है, 19 को शाम का अर्घ दिया जाएगा और 20 को सुबह का अर्घ जो है वो दिया जाएगा, जिसके बाद छठ पर्व सम्पन्न हो जाएगा। अपने सुखी प्रशांत मिंत्रा के साथ अंकुर सिन्हा, समाचार प्लस रांची।